नमस्कार दोस्तों, आज आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए YouTube चैनल में जिसका नाम है द अल्टीमेट मैकेनिकल इंजीनियर। मैं रोहित इंगले आज आपको समझाऊंगा कि वर्नियर कैलिपर होता क्या है और वो कैसे काम करता है। तो चलिए जानते हैं वर्नियर कैलिपर होता क्या है। वर्नियर कैलिपर के कुछ मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, हम उसके बारे में पहले जानते हैं। ये मेरे पास एक मैनुअल वर्नियर कैलिपर है, आप इसको इस डायग्राम के थ्रू इंटरप्रेट समझने की कोशिश करें। तो हमारे पास पहला पार्ट है, वो है जॉ, जो कि ये जो दो बड़े पार्ट दिख रहे हैं ये मेन जॉ कहलाते हैं। ये जो दो स्मॉल पार्ट दिख रहे हैं ये स्मॉलर जॉ कहलाते हैं। इसमें एक होता है लॉकिंग स्क्रू, ये जो दिख रहे हैं, और जो स्केल स्लाइड हो रहा है जॉ के साथ वो कहलाता है हमारा वर्नियर स्केल। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, मैं जॉ को मूव कर रहा हूं तो इसके साथ एक स्केल है, ये वाला, ये और ये मूव करता है, तो ये हमारा कहलाता है वर्नियर स्केल। और बाकी जो दूसरा स्केल जो स्टेशनरी है जिसके अबाउट सारी चीज स्लाइड कर रही है वो कहलाता है हमारा मेन स्केल। तो ये जो अंदर स्केल दिया हुआ है इसमें यूनिट्स लिखी हुई है, डायमेंशन है, ये हमारा मेन स्केल। तो चलिए जानते हैं कि वर्नियर कैलिपर कैसे काम करता है। वर्नियर कैलिपर के काम करने से पहले जान लीजिए आप कितने तरीके के वर्नियर कैलिपर होते हैं। तो टाइप्स ऑफ वर्नियर कैलिपर हमारा आता है, जिसमें पहला टाइप हम कंसिडर करते हैं मैनुअल वर्नियर कैलिपर, जो कि ये एक एग्जांपल है यहाँ तो मैनुअल वर्नियर कैलिपर का। और दूसरा है डिजिटल वर्नियर कैलिपर। डिजिटल वर्नियर कैलिपर जो होता है उसमें एक डिस्प्ले होता है, डिजिटल डिस्प्ले होता है, जब हम जॉज में कुछ भी चीज फंसाते हैं और फिर उसका मेजरमेंट करते हैं तो वो हमें उसमें इंटरप्रेट कुछ नहीं करना पड़ता, ऑटोमेटिकली सब डिस्प्ले में विजिबल रहता है हमारी रिक्वायर्ड यूनिट के हिसाब से। तो ये हमारे डिजिटल वर्नियर कैलिपर है। अब इनके बीच में अंतर जानते हैं, कौन सा ज्यादा एडवांटेजियस है कौन सा नहीं। तो मैनुअल वर्नियर जो कैलिपर होता है वो हमारा सस्ता पड़ता है एज कम्पेयर टू डिजिटल वर्नियर कैलिपर। क्यों जानते हैं, मैनुअल वर्नियर कैलिपर में हमारे पास कोई बैटरी सोर्स नहीं लगता डिस्प्ले को चलाने के लिए, तो हमें क्या करना पड़ता है, बैटरी रिप्लेस भी नहीं करनी पड़ती और हमारे डिस्प्ले भी महंगे नहीं होते। डिजिटल वर्नियर कैलिपर में क्योंकि एक डिस्प्ले लग जाता है, एक बैटरी लग जाता है और उसमें कुछ एक यूनिट होती है जो कि मेजरमेंट करने का काम आती है, सेंसर्स लगे रहते हैं, तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। इसमें कोई एनर्जी नहीं लगती, डिजिटल वर्नियर कैलिपर में एनर्जी लगती। इसमें हालांकि मैनुअल वर्नियर कैलिपर के एक आध डिसएडवांटेज ये है कि हमें इसको इंटरप्रेट करना पड़ता, समझना पड़ता, इसके लिए स्किल्स चाहिए रहते। पर जो हमारा डिजिटल वर्नियर कैलिपर चाहिए रहता है उसमें कोई स्किल्स नहीं होती, हम उसे सीधे यूज कर सकते हैं। और फाइनली जो एक होता है समझने की देरी, कितना वक्त लगता है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा मैनुअल वर्नियर कैलिपर ज्यादा समय लेता है समझने में, इंटरप्रेट करने में, एज कम्पेयर टू डिजिटल वर्नियर। तो ये था हमारा वर्नियर कैलिपर कितने तरीके के होते हैं। अब एक और दिमाग में सवाल आता है कि वर्नियर कैलिपर और स्केल इसमें डिफरेंस है, तो चलिए मैं आपको क्लियर करता हूं। वर्नियर कैलिपर एक मैकेनिकल डिवाइस है जो कि मेजरमेंट करने के काम आता है, मोर प्रिसाइजली बहुत अच्छे से मेजर करने के काम आता है। वर्ल्ड जो मेन स्केल रहता है वो उतना मेजरमेंट के काम में, मतलब हम एवरेज वैल्यू निकाल सकते हैं उससे, पर ये एक्यूरेट इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज किया जाता है, इसके बहुत एप्लीकेशन है, तो इसलिए इसको ज्यादा प्रिसाइज होना पड़ता है। तो ये एक और एडवांटेज ये है कि वर्नियर कैलिपर जो होता है वो एक तरीके से मेजरमेंट नहीं, और भी तरीके इसके मेजरमेंट करने का, जो कि स्केल बहुत चीजों में नहीं कर पाता और ये बहुत चीजों में कर लेता। तो आइए हम समझते हैं कि वर्नियर कैलिपर काम कैसे करता है। चलिए हम समझते हैं कि वर्नियर कैलिपर को हम मेजर कैसे करते हैं, उससे मेजरमेंट कैसे किया जाता है। तो शुरुआत करते हैं एक सिंपल सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट से, जो कि कुछ ऐसा दिख रहा है, देख लीजिए। इस सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट को हम इन जॉ के बीच में प्लेस करते हैं और फिर उसे यहाँ से दबाते हैं, यहाँ से। फिर यहाँ जो मेन पोर्शन हमारा पार्ट एक्ट करता है वो है लॉकिंग स्क्रू, जिससे हम कस देते हैं तो ये लॉक हो जाएगी वैल्यूज और इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। अब मैं इसको यहाँ से हटा लेता हूँ तो अब ये मेरा पोजीशन लॉक हो गई, अब मैं मेजरमेंट कर सकता हूँ। तो मेरा मेजरमेंट आप यहाँ देखेंगे, ये वाला जीरो के जो आगे वाला डैश है
इसको ऊपर के कौन से पॉइंट पे कोइंसाइड कर रहा है हमें वो देखना है। तो आप इधर देख रहे होंगे कि ये 18th डिवीजन से कुछ थोड़ा पहले हमारा कोइंसाइड कर रहा है। तो ये हमारी मेन स्केल रीडिंग जो हुई है वो हमारी होगी 17, ठीक है। अब जो इतना पोर्शन, जो एक्स्ट्रा पोर्शन जो 18 से पहले थोड़ा सा आ रहा है, उसको हम मेजर कैसे करेंगे? वो हम ऐसे मेजर करेंगे कि हमारी मेन स्केल रीडिंग के बाद और वर्नियर स्केल रीडिंग का कौन सा डिवीजन मेन स्केल रीडिंग से कोइंसाइड कर रहा है। तो हम देखते हैं कौन सा कोइंसाइड कर रहा है। वो हो रहा है हमारा 6th के बाद जो दो डिवीजन है, मतलब हम यहाँ हर एक डिवीजन को 1 के बराबर कंसिडर किया करते हैं। तो ये हमारा 62nd, मतलब 62 डिवीजन हमारा मैच कर रहा है यहाँ पे ऊपर वाले मेन स्केल रीडिंग से। तो हमारा अब ये हुआ 62 डिवीजन, ये हमारी वर्नियर स्केल रीडिंग आई। और जो हम हमारे स्केल में एक लीस्ट काउंट दे रखा है वो है 0.02 mm। तो हम लोग जो कैलकुलेशंस करते हैं वो कुछ इस तरीके से होंगी। यहाँ आप देख रहे हैं हमारे कैलकुलेशन का फॉर्मूला जो कि बहुत सिंपल है। यहाँ जो एक्स वैल्यू दी है वो हमारी मेन स्केल रीडिंग है। तो हमारी मेन स्केल रीडिंग जो आई थी वो हमारी थी 18, ठीक है। अब हमारे पास ये जो वाई वैल्यू दी है ये हमारी है वर्नियर स्केल रीडिंग जो कि आई थी 62 डिवीजन। तो 62nd वाला डिवीजन हमारा होगा, हम इसे ऐसा लिखें। और जो हमारी वैल्यू इनटू में लिखी वो है लीस्ट काउंट की, जो कि हर स्केल में दी रहती है और हमारे स्केल की लीस्ट काउंट वैल्यू है 0.02। तो इससे हम कैलकुलेशन करते हैं और हमारी वैल्यू कुछ आएगी 18.31। तो हमने जो वैल्यू थी हमारी डायमेंशन की वो इतना एक्यूरेटली मेजर की, 18 तक तो हर स्केल से भी मेजरमेंट हो जाता, पर उसके आगे जो 0.31 की जो प्रिसाइज वैल्यू है वो हम कैसे निकालते हैं, वो वर्नियर कैलिपर वहां हेल्पफुल होता है हमें। तो यहाँ जो हमें इतना वक्त लगा, लैग लगा, ये होता है वर्नियर मैनुअल टाइप वर्नियर कैलिपर की डिसएडवांटेज कि हमने इतना कैलकुलेशन किया, इतना समझा, पर वही हमारा डिजिटल होता तो हमें इंटरप्रेट करने में वक्त नहीं लगता। तो हमने जो भी कैलकुलेशन की वो हमारे mm वाले स्केल से की गई। यहाँ पे एक स्केल है जो कि इंचेस में भी शो करता है और इसके लिए हम लोग नीचे वाली जो इसी के जस्ट नीचे करस्पॉन्डिंग स्केल है उससे मेजरमेंट लेंगे। तो ये हमारा एक्चुअल में वे था मेजरमेंट कैसे करते हैं। अब कुछ चीज़ें हमें ध्यान में लेनी पड़ती है, क्या वो ऐसी होती हैं कि जैसे मान लीजिए हम लोग कहीं थ्रेड वाला कुछ चीज़ यूज़ करते हैं तो हमारी जॉ का कुछ ऐसा पोर्शन होता है जैसे ये नोक वाला है, नुकीला है, यू कैन सी, और ये फ्लैट है, हेड है इसका। तो अब जब मैं ऐसे थ्रेड वाला कोई पोर्शन रखता हूँ तो वो क्या करता है, इसकी ओरिजिनल जो कहते हैं आउटर रेडियस या डाया इसका जो है वो नहीं बता पाएगा। क्यों? क्योंकि वो थ्रेड के अंदर इनके जॉ घुस जाएंगे और फिर प्रॉपर डायमेंशन मेजर नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए जो ये फ्लैट हेड है इसमें हम लोग ऐसे थ्रेड वाले पोर्शन को प्लेस करते हैं और उससे हम डायमेंशन मेजर करते हैं, ठीक है। अब जो स्मॉलर जॉज हैं उनका स्पेशल एडवांटेज होता है इंटरनल डाया को मेजर करने के लिए, या फिर इंटरनल डायमीटर या फिर इंटरनल डायमेंशन मेजर करने के लिए। कैसे करते हैं? जैसे हमारा हेम जॉइंट इसका बॉल है, इसका इंटरनल डाया हमें नापना है, डायमीटर नापना है, कैसे नापेंगे? तो हम इसको अंदर प्लेस करते हैं और इसको हम एक्सपांड करेंगे। जो जैसे आप एक्सपांड करते हैं ये इसमें फिक्स हो जाएगा। फिक्स होने के बाद हम लोग ये लॉकिंग स्क्रू से हम इसे कस देंगे ताकि हमारे डायमेंशन वेरी ना करे बाद। और अभी आप डायमेंशन देखेंगे तो ये आएगा अप्रॉक्सीमेटली 1 के आसपास, मतलब हमारा 10 mm इसका डायमेंशन है इंटरनल डायमीटर। तो इस तरीके से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। और भी इसका एक जगह एडवांटेज है कि हम डेप्थ नाप सकते हैं। हमारे पास एक इसमें एक और पोर्शन होता है जिसको हम कहते हैं डेप्थ रॉड, जो कि हम जब एक्सपांड करते हैं तो ये वाला जो पोर्शन होता है डेप्थ रॉड कहलाती है। ये यहाँ पे गहराई पे जाती है आपकी कितनी डेप्थ है और यहाँ पे आपका मेजरमेंट होते जाता है डेप्थ के हिसाब से। देखेंगे आप डेप्थ के हिसाब से वो बढ़ते जा रहा है और कम होते जा रहा है। तो चलिए जानते हैं हम इसको कैसे यूज़ करते हैं। ये मेरे पास एक कैलिपर है, इसका यहाँ पे एक बोर दे रखा है। तो
तो मेरे को उस बोर की डेप्थ नापनी, तो मैं कैसे नापूंगा, इसको इस पे प्लेस करूंगा सरफेस पे, और फिर ये वाला जो पोर्शन है इसको मैं एक्सपांड करना शुरू करूंगा जॉग। तो जिस पोर्शन पे जाके अब आप फोर्स नहीं लगा सकते, वो टिक जाएगा नीचे वाला पोर्शन, तो उतने पे आप इस स्क्रू को कस लें ताकि आपकी डायमेंशन फिक्स हो जाए। अब आप यहाँ जो मेजरमेंट करेंगे वो आपको उसकी डेप्थ देगा, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 1.8 सेंटीमीटर के आसपास। तो इस तरीके से हमारा वर्नियर कैलिपर मेजरमेंट करने के काम में आता है। ये कुछ इसके एडवांटेजेस हैं जो हम नॉर्मल स्केल से नहीं कर सकते। वर्नियर कैलिपर में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखनी पड़ती है, वो है हमारा ज़ीरो एरर। ज़ीरो एरर का मतलब ये होता है कि जो हमारा मेन स्केल और वर्नियर स्केल का जो ज़ीरो रीजन है वो एक दूसरे पर परफेक्टली कोइंसाइड करना चाहिए। अगर परफेक्टली कोइंसाइड नहीं करता है तो उसमें एक ज़ीरो एरर होता है। तो वो ज़ीरो एरर भी बहुत तरीके के, दो तरीके के होते हैं बेसिकली, तो हम उन्हें जानते हैं। तो जो हमारा ज़ीरो एरर होता है तो वो दो तरीके का होता है बेसिकली, पॉजिटिव ज़ीरो और एक नेगेटिव ज़ीरो। जनरली जो चांसेस होती है वो होता है हमारा पॉजिटिव ज़ीरो, जब हमारा वर्नियर स्केल मेन स्केल से कोइंसाइड नहीं करता और कुछ पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं मेन स्केल की, उसमें वर्नियर स्केल जो शो कर रहा था वर्नियर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल की कुछ पॉजिटिव वैल्यू शो करे तो वो कहलाता है पॉजिटिव ज़ीरो एरर, फॉर एग्जांपल 0.1। पर अगर नेगेटिव ज़ीरो एरर होता है तो उस केस में क्या होगा कि हमारा मेन स्केल जो है वो वर्नियर स्केल की कुछ पॉजिटिव वैल्यू शो करेगा, मतलब इस केस में उल्टा हो जाएगा। तो ये हमारा शो करता है कि ज़ीरो एरर नेगेटिव कैसा होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो हमें रिमेम्बर करनी पड़ती है वर्नियर स्केल की। इस तरीके से हमारा वर्नियर स्केल वर्क करता है। तो चलिए आज के लिए हमारा इतना ही काफी है वर्नियर स्केल के बारे में। आपको कुछ डाउट्स हो, क्वेरीज हो, बिल्कुल मेरे कमेंट बॉक्स पे डालें और मुझसे क्वेरीज किए करें। धन्यवाद।